याद है इनकी सरकार लाल टेन प्रदेश बनाकर रख दिया था इन्होंने मध्य प्रदेश को। हमारे बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते थे, खेत में सिंचाई तक नहीं हो पाती थी, बिजली थी कहाँ। तो शिवराय ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया, पूरे प्रदेश का जीवन अंधकार में धकेल कर गए थे ये लोग। तो माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे, तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने लायक रास्ते तक नहीं छोड़े थे इन्होंने। वो तो जब शिवराज आया तब कहीं जाकर गली मोहल्ले और गांव शहरों में सड़कें दिखने लगी। अरे ऊंचे महलों में रहने वालों, तुम क्या जानो गरीब की तकलीफ को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार। ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। 10 सालों में बूंद बूंद के लिए तरसा दिया था फसलों को, खेत बंजर दिखने लगे थे। दर्द तो हमारा सिर्फ शिवराज ने समझा। किसान का बेटा है ना, गांव गांव में नहर और बिजली ले आया वो। अरे पानी खाद और यूरिया तक के लिए तरसा दिया था इन्होंने किसानों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। ऐसा ही कुछ रीवा में भी देखने को मिला, जब मीडिया प्रभारी रितेश मिश्रा ने सफाई देते हुए कहा कि विधायक पति और पत्नी दोनों ही मुझ पर मिथ्यारोप लगा रहे हैं। रीवा में राजनीतिक मामला सामने आया है। भाजपा के मीडिया प्रभारी रितेश मिश्रा ने बयान दिया है कि सिमरिया विधायक रह चुकी नीलम मिश्रा और उनके पति अभय मिश्रा ने जो पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है वह बेबुनियाद है। बता दें यह पूरा मामला बीजेपी की सदस्यता को लेकर हो रहा है। पूर्व विधायक नीलम मिश्रा और उनके पति अभय मिश्रा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पार्टी से 5 साल विधायक रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उनको नहीं दिलाई गई है। हालांकि इसका खंडन बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी ने कर दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। यह जुबानी आरोप प्रत्यारोप कब तक चलेगा? देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत वो विधायक बनी, उसी प्रक्रिया के तहत वो जिला पंचायत सदस्य बने। दोनों पुरुष और महिला दाम्पत्य हैं जो दोनों जन, वो ये झूठा आरोप लगा रहे हैं कि उनको सदस्यता नहीं दिलाई गई। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि एक 10 अंकों का एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, उस पर फोन लगाकर मिस कॉल के माध्यम से, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल के माध्यम से, जैसे हमारा मोबाइल है एक रजिस्टर्ड मोबाइल के माध्यम से हम अपनी सदस्यता ले सकते हैं। तो क्या मैं ये कहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी को उनका मोबाइल पकड़ने गए थे क्या? क्या सांसद जी उनका मोबाइल पकड़ने गए थे क्या? क्या विद्या प्रकाश जी उनका मोबाइल पकड़ने गए थे क्या? ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि आप जब सदस्य बन रहे हैं तो एक मिस कॉल के माध्यम से सदस्य बन सकते हैं। ये तो एक प्रोपोगंडा है, हमेशा प्रोपोगंडा उन्होंने दोनों ने रचा है, तो प्रोपोगंडा के तहत उन्होंने ये आरोप लगाया है। और वो ऐसे समय लगाया है कि चुनाव के समय लगाया है। उनके पति जो है वो चुनाव लड़े हैं रीवा विधानसभा से, तो उस समय लगाया है।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। याद है इनकी सरकार, जब ये दिल्ली में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे थे ना, तब एक शिवराज भैया ही थे जो हमारी लाडलियों की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह की फिक्र मामा बनकर कर रहे थे। आधी आबादी का दर्द समझ में नहीं आता था इन्हें। अरे माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दें, भाजपा को वोट दें। याद है इनकी सरकार, जब ये चांदी के बर्तनों में दावतें उड़ा रहे थे ना, तब शिवराज ही था जो 1 रुपए किलो में अनाज और 200 रुपए में बिजली देने में जुटा हुआ था। गरीब का पेट भरना तो दूर की बात, 10 सालों में कमर तोड़ दी थी इन लोगों ने। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, ये वही लोग हैं जो गरीबों की टपकती छतें देखकर अपना मुंह फेर लिया करते थे। वो तो मोदी आया तब जाकर हमारे सर पर पक्की छतें आई। गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों का ही हक खा गए थे ये लोग। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, ये जब बुजुर्गों से पैर छुआ कर चौड़े हुए जा रहे थे ना, तो हमारा शिवराज उन्हीं बुजुर्गों को माँ बाप मान के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। आज वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने का ठोंग कर रहे हैं ये लोग। ए माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दें।